एक तो ये तो सुप्रीम कोर्ट की परीक्षा होगी कि वो अपनी बात का कितना वजन करवा पड़ता है। अब याद करिए यूपीए सरकार का टाइम, जब सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को पिंजरे में बंद तोता कह दिया था, वो आज तक चला आ रहा है। याद करिए जो रोज के रोज ऑब्जर्वेशन और स्ट्रिक्चर पास होते थे सरकार के खिलाफ, चाहे वो कोयला घोटाला हो, चाहे वो 2G घोटाला हो, चाहे वो कॉमनवेल्थ घोटाला हो, चाहे वो जो है आदर्श स्कैम हो, चाहे जितने मामले होते थे रोज सुप्रीम कोर्ट जो है उस पर एक टिप्पणी देता था और मंत्रियों के इस्तीफों की झड़ी लगी हुई थी। तो क्या ये वही सुप्रीम कोर्ट है जो उस समय इतना अपने अपने अधिकारों को लेकर के, अपने फैसलों को लेकर के, अपनी टिप्पणियों को लेकर के इतना चिंतित था, और इतना आज वही सुप्रीम कोर्ट तो है निरंतरता में। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट को अब देखना पड़ेगा कि उसके उसके ही दबाव में मंत्री पुत्र की गिरफ्तारी हुई। अगर उस दिन सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी नहीं होती कि हमको फिर देखना पड़ेगा, और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने एक सख्त टिप्पणी की थी हम लोगों सबको याद है, तब उसके बाद मंत्री पुत्र की गिरफ्तारी होती है। अब अगर उसमें ढिलाई बरती जा रही है तो सुप्रीम कोर्ट को देखना पड़ेगा कि खाली मंत्री पुत्र की गिरफ्तारी से ही बात नहीं बनेगी, बाकी चीजों की भी ढंग से मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को बाकायदा पूरा जो है स्टेटस रिपोर्ट शायद पिछली बार मांगी भी थी। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट, लेकिन मैं कह रहा हूँ सरकारों का रवैया। उत्तर प्रदेश की स्थिति ये है कि यहाँ चुनाव है 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, जनवरी में हो जाए, फरवरी में हो जाए, और जो आरोपित है वहां पर उस कांड में, वो अधिकतम वो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के या तो कार्यकर्ता हैं या उनके समर्थक हैं मंत्री पुत्र के अलावा, या उस जनाधार वर्ग के हैं जो भाजपा को एकमुश्त वोट देता है। तो ये सरकार किसी भी तरह, सत्ताधारी सरकार, एक तो वैसे ही उस पर आरोप लग चुका है उस वर्ग को नाराज करने का जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसमें जो आरोपित है, और कोशिश भी की गई इस पूरे मुद्दे को सिख बनाम आदर्श करने की, जो कि सफल नहीं हुई। तो अब जांच में ढिलाई करने का मतलब ये है कि उन लोगों को थोड़ी राहत दी जाए जो इसमें आरोपित हैं। तो ये इसका राजनीतिक कारण है। और दूसरा ये है कि चूंकि गृह राज्य मंत्री हैं, वो बैठे हुए हैं पद पर हैं अपने, इसीलिए जब कोई मंत्री किसी मामले में आरोपित होता है तो क्यों इसका इस्तीफा मांगा जाता है, इसीलिए मांगा जाता है कि वो पद पर रहते हुए जो प्रभाव डाल सकता है व्यवस्था पर, सिस्टम पर, अधिकारियों पर, वो पद से बाहर रहकर नहीं डाल सकता। और ये तो उसी महकमे के मंत्री है जो जांच कर रही है पुलिस, यानी ठीक है केंद्र के मंत्री हैं लेकिन है तो गृह राज्य मंत्री। तो जो अधिकारी वो जांच कर रहे हैं उनकी भी फाइलें आईपीएस अफसरों की गृह मंत्रालय में होती हैं। तो ये बहुत सारे व्यवहारिक प्रश्न हैं जिसकी वजह से हमेशा ऐसे मामलों में मंत्रियों का या प्रभावशाली लोगों के इस्तीफे मांगे जाते हैं, या उनको कम से कम इस्तीफा ना हो तो उनका विभाग ही बदल दिया जाए। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।